तो क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के बारे में। तो गाइस हमें पता चल गया विराट कोहली इन मैचों में क्यों नहीं खेल रहे हैं। जो एवी डिविलियर्स ने बोला था वो गाइस बिल्कुल सच हुआ। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि उनको एक बेबी बॉय हुआ है। उन्होंने 15 फरवरी को बेबी बॉय अकाय को वेलकम किया। उनका बेटा पैदा हुआ है 15 फरवरी को, जिसका नाम रखा है अकाय। उन्होंने ये भी लिखा, वी सीक योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस इन द ब्यूटीफुल टाइम इन योर लाइफ्स। We request you to kindly respect our privacy at this time. Love, gratitude, Virat Kohli and Anushka. Huge congratulations to both Anushka and Virat Kohli and Akai also. Next update के बारे में बात करते हैं, आशीष चंचलानी के बारे में। तो guys आशीष चंचलानी को काफी सारे लोग अभी मतलब रोस्ट कर रहे हैं, उनके फैंस ही इनको एक तरह से रोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, उनकी बहुत पुरानी फोटो थी। उन्होंने उस फोटो के कैप्शन में लिखा, कोई भी स्टड या चार्ट नहीं कॉमेंट करेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कैप्शन लिखा। साथ में उन्होंने हैशटैग भी लगाया 9 years ago, मींस ये जो उन्होंने पोस्ट करी है 9 years ago वाली, मतलब 9 साल पुरानी वाली फोटो थी। और अब तो आपको पता ही कितने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो। उन्होंने कमेंट भी किया जहाँ पे लिखा, क्या कहा नहीं, मैं सिर्फ सुपर मॉडल्स के साथ डेट पे जाता है। एक और कमेंट करते हैं, माय इंस्टा आईडी लेडीज एटीट्यूड बॉय आशीष, ऐसा कुछ करके पता नहीं। नीचे कुणाल छाबरिया भी कमेंट करते हैं, किडनैपिंग वाली वैन का ड्राइवर मिल गया। एक जन ने तो लिखा था उसी कमेंट के नीचे, वैन जड्डू गेट्स द गर्ल बट ब्रो कुडंट। किसी ने लिखा था, थोड़े मोटे लग रहे हो पर चलेगा। उसी के नीचे आशीष उस चीज का रिप्लाई देते हैं, उन्होंने लिखा, यू प्रोनाउंसिएशन सेक्सी रॉन्ग, इस टाइप का उन्होंने कुछ कमेंट किया। किसी ने लिखा था, टर्टल चल चलानी। किसी ने लिखा था, तू कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन करा ले, तू हमारे लिए बिना गाड़ी का चमन ही रहेगा। कमेंट का आशीष चंचलानी भी रिप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं, हाँ भाई आपकी फोटो देख के तो लड़कियां चूड़ियां तोड़ रही होंगी। मैं इस कमेंट का फोटो भी दिखाता हूँ आपको, मतलब कौन बंदा है। काफी ज्यादा फनी कमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, काफी ज्यादा रोस्ट कर रहे हैं आशीष चंचलानी को, काफी ज्यादा रोस्ट हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, गुरुग्राम के, हरियाणा के गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब से कोई भी व्हीकल, अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल होता है, मींस फायर ब्रिगेड हो गया या एम्बुलेंस हो गई, अगर कोई भी उनको रास्ता नहीं देता है तो उसके ऊपर चालान हो जाएगा 10,000 रुपए का, फाइन भरना पड़ेगा उसको 10,000 का। अभी ये सिर्फ गुरुग्राम में है, शायद पूरे इंडिया में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। काफी सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये बहुत सही रास्ता है, मतलब बहुत सही चीज निकाली है। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या गाइस, पुनीत सुपरस्टार को मूवी ऑफर हुई है, और बल्कि वो मूवी का मतलब कि जो भी रेवेन्यू कमाएगी वो मूवी उसका 50-50 होगा। उनको मतलब पेमेंट नहीं दी जाएगी, उनको उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, फीस नहीं दी जाएगी, जो भी मूवी कमाएगी उसका 50-50 होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक उन्हीं की वीडियो, एक क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। दोस्तों अभी मेरे पास 3 प्रोड्यूसरों का कॉल आया था, वो मुझे फिल्म में लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि अगर फिल्म चली और अगर उसमें से पैसा आया तो 50-50% करेंगे, मतलब शेयरिंग वाला काम बोल रहे हैं वो। तो मैंने उनको बोला, नहीं भाई मेरे को तो नगद कैश दे दो, जितना देना है बाकी तुम कमाओ, जितने की पिक्चर फिट हुई जितना भी तुम कमाओगे वो तुम्हारा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं फिल्म का एक ही बारी में पैसा ले लूं या फिर मैं शेयरिंग कर लूं उनसे 50-50% की। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, पठान के बारे में। तो गाइस आपको पता ही है, पठान 1 कितनी खतरनाक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उसके मतलब बॉक्स ऑफिस तो तोड़ी तोड़ थे, सब एक नंबर चली थी मूवी। तो उसके बाद अभी नया आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, आप वो ट्वीट देखिए, इसमें गाइस पठान 2 के बारे में जिक्र हो चुका है, पठान 2 बहुत जल्द आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हिमेश ने ये ट्वीट करके बताया, मेगा एक्सक्लूसिव, शाहरुख खान इज बैक एज पठान ऑन फ्लोर बाय 2024 एंड। मतलब गाइस 24 के एंड में पठान 2 भी आने वाली है, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दोस्तों। क्या आप देखने जाओगे, कमेंट में बताना, और पठान 1 कैसी लगी वो भी मेरे को नीचे बताना। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, शिल्पा शेट्टी एंड उनकी फैमिली के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वो एयरपोर्ट से जस्ट निकल रहे थे, तो एक स्पेशली अनेबल्ड फैन उनसे मिलने आया, फोटो खिंचाने लगा, लेकिन उनके जो बॉडी गार्ड थे वो उनको हटाने लगे, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने बोला, नहीं नहीं उसको मत करो, मत धक्का दो। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, उन्होंने कहा उसको धक्का मत दो, बॉडी गार्ड उसको पुल कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने बोला, उनको मिलने दो, उनको पुश मत करो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुनावर फारूकी के बारे में। तो गाइस मुनावर फारूकी का और मीना खान का न्यू सॉन्ग आ चुका है प्ले DMF चैनल पे, गाने का नाम है हल्की हल्की सी। टीजर अभी आउट हो चुका है, और गाइस 10 घंटे में ही 1.2 मिलियन, और गाइस ट्रेंडिंग 1 पे भी चला गया था। अगर आपको टीजर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एल्विस यादव के बारे में। तो गाइस अभी एल्विस यादव काफी सारे न्यूज चैनल से नाखुश है, उनके मतलब गुस्सा है काफी सारे चैनलों से, न्यूज चैनलों से, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी उनका केस चल रहा था सांप के जहर को लेके। न्यूज चैनल कुछ भी बोल रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं। बेसिकली यादव ने सारे न्यूज चैनल को एक चैलेंज दिया था, उन्होंने बोला था कि तुम प्रूफ करके दिखा दो मैं वहां था और मेरी रेप पार्टी थी, नंगा होकर नाचूंगा, ये वाला उन्होंने चैलेंज दिया था सारे मीडिया चैनल्स को। इसी चीज को न्यूज 18 वाले कवर कर दिए, उन्होंने हेडलाइन क्या लिखी गाइस मैं आपको बताता हूँ, आप भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। उन्होंने लिखा, नंगा होकर नाचूंगा अगर एल्विस यादव रिस्पेक्ट टू स्नेक वेनम केस डेवलपमेंट। इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विस यादव के कोई फैन अकाउंट ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ,
एल्विश यादव भाई ब्लॉग साइलेंट होकर बनाया करो, हर बार कवर करते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के। और दोस्तों बता दूं, अभी रिसेंटली उन्होंने अपने व्लॉग में, एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में बताया कि अभी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं वो उनको छोड़ने नहीं वाले हैं। मेरे को लगता है रोस्ट वीडियो आएगा इन सारी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं। रिसेंट अपने व्लॉग में बताया, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखिए भाई। इंडियन मीडिया को रोस्ट करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, इंडियन मीडिया के तो फिल्टर पाड़ूंगा तुम्हारी कसम। उनके बालकों ने तो अपना वो कर रखा है, जो मैंने न्यूज चैनल बता दिया था ना, अपने कमेंट वमेंट बंद कर दिए, अकाउंट डिसेबल। अच्छा उन्होंने, कल वालों ने बे चार वे बेवकूफ साड़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा ठाके कहीं। गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील पूरे शरीर पे नील घेर दूंगा। तो बता दूं दोस्तों, एल्विश यादव बहुत ही जल्द ही एक रियलिटी शो में भी दिखने वाले हैं। अब पॉपुलर रियलिटी शो है, इसमें को पता नहीं है वैसे पूरा नाम कि कौन से क्या शो है। उन्होंने थोड़ा कुछ बताया अपने व्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए जी। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट शूट पे, यूँ समझ लो कि कुछ नया है तुम्हारे भाई के लिए, एक स्टेप अप है, समझ रहे हो। मतलब तुम लोगों ने यहाँ तक कुछ आया, मैं एक लेवल पे था, अब वो लेवल अप हो गया। अब आप लोगों ने कराया वो भी ऑब्वियसली, तो उधर जा रहा हूँ लेवल अप करने। आज पूरे दिन शूट चलेगा रात तक, इसलिए मैं Q&A की वीडियो भी डाल सकता हूँ बेवकूफ बना के लोगों को, ताकि शो का रिवील ना हो और Q&A बना दूं। और ये मतलब पॉसिबल भी वही है ना भाई, पूरे दिन शूट पे रहेंगे हम तो। यस, रात के 2-2 बजे तक शूट करते, बीच में मेरे पे फोन होगा नहीं, क्योंकि ये शो ना बता नहीं सकते अभी, इनविजिबल शो है। सो अभी काफी सारे लोग एक गैस कर रहे हैं कि लॉकअप 2 में एल्विश यादव जेलर बनेंगे। इसी ट्वीट के ऊपर कल का लौंडा भी रिएक्ट करे, रिवील कर दूंगा तो विवाद हो जाएगा। शायद से हो सकता है लॉकअप 2 में एल्विश यादव जा सकते हैं एज अ जेलर। सो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतनी न्यूज़ थी, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।